डक्कन सवेरा में आपका स्वागत है। हैदराबाद की मशहूर अब्बासी नान पुरानी हवेली के आपसी तनाज़े को लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा उद्दीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, आइए जानते हैं तफसीलात। ये इशू साहब प्रॉपर्टी का इशू सर आइए शेल्डेड का मेरे दादा को मिला, मेरे दादा को छः बेटे मेरे वालिद को मिला के ऑलरेडी दादा की हयात में एक बेटे का इंतकाल हो गया था, उनके बाद पांच बेटे थे। दादा का इंतकाल 3 दिसंबर 1996 को इंतकाल हुआ दादा का। दादा के इंतकाल के बाद मेरे वालिद को मिला के पांच भाइया रोटेशन बेसिस पे बिजनेस कर रहे थे, सिक्स मंथ्स। ये प्रॉपर्टी है मैं दादा की, दादी की जाली साइन मार के रजिस्ट्री कर रहे हैं इसका, ऑलरेडी सिटी सिविल कोर्ट में केस चल रहा रजिस्ट्री साहब इसकी 2018 तक पूरे भाई बैठ के यहाँ पर बिजनेस कर रहे। जी हाँ सर, एग्रीमेंट देखिए यहाँ पे एवरी सिक्स मंथ्स। जी हाँ ये देखिए आप, ये एग्रीमेंट 2000 बना एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट एक हिसाब, ये एग्रीमेंट भी 17/5/2000 बना, ये भी एग्रीमेंट 2000 में भी एक और एग्रीमेंट हुआ सर, 2002 में एग्रीमेंट हुआ। नहीं, ये सब उनके काम आए, सब ये 420 काम आए उनके, ये दादी की डुप्लीकेट। मैं कमरे गया तो मेरे पे एक्शन ले रहे हैं कि तुम दुकान में ना बैठना, तुम पैसे लेके भाग गए मेरे। और एक बात आ रही है कि आपके छोटे भाई को मारने की धमकी। जी हाँ, हबीबुद्दीन मेरे चचा, इनको मारने की जान से मन धमकी दिए, यहाँ पर ही बैठ के धमकी दिए, काले देता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ मैं दुकान में बैठने दूंगा, बोल के बोले हबीबुद्दीन। कमरे नहीं करे अभी हम, तो क्यों पुलिस का सहारा नहीं लिया इसमें? सिविल कोर्ट में केस आ रहा साहब, ये केस नंबर है देखिए OS 751। हम खमरुद्दीन मेरी साइन लेके मेरे दो तायों के खिलाफ उनको दुकान से बेदखल कर दिया खमरुद्दीन। मैं बोला गलत है बोलते, मेरे से उन्होंने कसम खसी करा दुकान पे, खमरुद्दीन हबीबुद्दीन और उनके दो बच्चे।